Hello student, today we are going to learn next part from chapter number 1. What we will learn today? Today we will learn different terms or concepts used in accountancy. यहाँ पे याद रखना है, bookkeeping और accountancy में बहुत सारे concepts और terms इस्तेमाल किए जाते हैं। वो जो सारे टर्म्स है या कंसेप्ट है वो क्या है, उनका मीनिंग क्या है, वो आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि ये जो टर्म्स या कंसेप्ट अभी हम सीखने वाले हैं, मतलब आज हम उसको शुरुआत कर रहे हैं, आज हम सारे के सारे टर्म्स नहीं सीखेंगे, बराबर। आने वाले 7-8 दिन तक वो कंसेप्ट चलने वाले हैं, 7-8 लेक्चर वो कंसेप्ट चलने वाले हैं। तो आज से जो भी टर्म्स या कंसेप्ट हम सीखेंगे वो आपको कंप्लीटली अच्छी तरह से पढ़ के याद रखने हैं, क्योंकि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको सारे कंसेप्ट पूरे जिंदगी भर काम आने वाले हैं। आज देखो हम क्या क्या सीखेंगे। टुडे वी विल लर्न कंसेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, वी विल लर्न कंसेप्ट ऑफ एंट्री एंड ऑल्सो वी विल लर्न गुड्स। तो आज हम तीन कंसेप्ट या टर्म्स को सीखेंगे, ट्रांजेक्शन, एंट्री और गुड्स। सो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट कंसेप्ट, ट्रांजेक्शन। सी टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। पहले हम ट्रांजेक्शन के टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं, बाद में हर एक जो टाइप है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। See, basically transaction is divided in two parts or two types. One is monetary transaction and second is non-monetary transaction. Again, monetary transaction is divided in two parts or two types. Monetary transaction फिर से दो types में या दो प्रकार में divide हुआ है। One is cash transaction and other is credit transaction. And non-money transaction is also called as a barter transaction. Okay, तो देखो transaction के टाइप देखो, दो उसके मेन टाइप है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के फिर से दो प्रकार है, एक है कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है उसको ही कहा जाएगा बार्टर ट्रांजेक्शन। अभी हमें हर एक ट्रांजेक्शन को डिटेल में पढ़ना है। सी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आई एम टेकिंग हियर वन एग्जांपल। हमें ट्रांजेक्शन को ठीक से समझने के लिए हम एक पहले एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक पर्सन है, उसका नाम है मिस्टर अजय। यहाँ पे दूसरा पर्सन है, उसका नाम है मिस्टर रमेश। तो यहाँ पे दो पर्सन है, मिस्टर अजय और मिस्टर रमेश। मिस्टर अजय के पास कुछ गुड्स है, यस देयर इज सम गुड्स विद मिस्टर अजय। और मिस्टर रमेश के पास क्या है, पैसा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मिस्टर रमेश के पास पैसा। मिस्टर रमेश want to purchase their goods from Mr. Ajay. Mr. Ramesh, Mr. Ajay से goods purchase करना चाहते हैं। तो Mr. Ajay ने उनको goods दे दिया, तो बदले में Mr. Ramesh क्या देंगे, Mr. Ramesh make payment to Mr. Ajay. अभी Mr. Ramesh ने क्या किया, goods purchase किया, Mr. Ramesh के पास goods आया और उस goods के बदले Mr. Ramesh ने क्या दिया, पैसा दिया। किसको दिया, Mr. Ajay. So here Mr. Ajay is a seller and Mr. Ramesh is a buyer. यहाँ पे Mr. Ajay क्या है, seller है, और Mr. Ramesh क्या है, buyer. तो ये हुआ transaction. ये क्या हुआ, transaction. Here goods is exchange for money. Goods is exchange for money. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Mr. Ajay ने goods दिया और उसके बदले में Mr. Ramesh ने पैसा दिया, मतलब गुड्स किसके बदले में एक्सचेंज हुआ है, मनी के बदले में। इसी को कहा जाता है ट्रांजेक्शन। ये भी क्या है, एक
ट्रांजेक्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। हियर इज अनदर एग्जाम्पल, हियर इज वन पर्सन मिस्टर प्लम्बर एंड मिस्टर प्लम्बर प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्लम्बिंग सर्विसेज। हमारे घर में नल वगैरह खराब होते हैं, वो रिपेयर करने के लिए हम किसको बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं। तो यहाँ पे एक मिस्टर प्लम्बर करके आदमी है और वो प्लम्बिंग के सर्विसेज देता है। यहाँ पे दूसरा पर्सन है मिस्टर रमेश, और मिस्टर रमेश को कुछ प्लम्बिंग सर्विसेज की जरूरत है, उसके घर पे कुछ काम है प्लम्बिंग सर्विसेज का। ओके, तो मिस्टर प्लम्बर प्लम्बिंग सर्विसेज देता है और मिस्टर रमेश को प्लम्बिंग की या प्लम्बर की जरूरत है, उसके पास पैसा है। तो मिस्टर प्लम्बर ने प्लम्बिंग सर्विसेज प्रोवाइड किए, मिस्टर प्लम्बर हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज टू मिस्टर रमेश। बराबर, प्लम्बिंग सर्विसेज है, याद रखना प्लम्बर गुड्स नहीं बेचता है, प्लम्बर हमें सर्विसेज देता है। क्या देता है, सर्विसेज देता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर हमें दवाई बेचते हैं ऐसा नहीं बोला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा, डॉक्टर हमें सर्विस देते हैं ऐसा बोला जाएगा। ओके, तो जो प्लम्बर है, प्लम्बर ने मिस्टर रमेश को प्लम्बिंग का सर्विसेज दिया, मतलब मिस्टर रमेश को सर्विसेज मिल गई। तो सर्विसेज पॉकेट में दिया जाएगा या पैसा देना पड़ेगा, ऑफकोर्स पैसा देना पड़ेगा। सो मिस्टर रमेश पेड मनी टू मिस्टर प्लम्बर, मिस्टर रमेश ने तुरंत ही उसको पैसे दे दिए। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज हुआ पैसे का, लेकिन यहाँ पे पैसे का एक्सचेंज किसके साथ हुआ, सर्विसेज के साथ। ओके, सो हियर एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर मनी, यहाँ पे क्या हुआ था, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी एंड हियर सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी। यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज हुए थे, यहाँ पे सर्विसेज एक्सचेंज हुए, मतलब दोनों भी ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज हुआ है, दोनों भी ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व है, लेकिन एक में मनी के बदले गुड्स मिला है तो दूसरे में मनी के बदले क्या मिला है, सर्विसेज मिला है। क्या मिला है, सर्विसेज मिला है। इन्हें कहा जाएगा ट्रांजेक्शन, क्या कहा जाएगा, ट्रांजेक्शन। सो व्हाट इज ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। मनी इज वर्थ मतलब क्या हुआ, आगे देखिए। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मतलब मिलता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर गुड्स और एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर मनी कॉल्ड एज अ ट्रांजेक्शन। तो अगर आप भी हम भी रोज ट्रांजेक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, आप दुकान पे जाते हो चॉकलेट परचेस करते हो, आपको क्या मिलता है, चॉकलेट मिलता है, आप उसके बदले क्या देते हो, पैसा, वो ट्रांजेक्शन है। आप दुकान में जाते हो नोटबुक परचेस करते हो, आपको क्या मिलता है, नोटबुक, आप देते क्या हो, पैसा। इट मीन्स नोटबुक इज एक्सचेंज फॉर मनी, वो भी ट्रांजेक्शन। आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो और उसके कारण आप मोबाइल में इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो या मोबाइल से बोल सकते हो। तो मोबाइल कंपनी मतलब जो जैसे कि जियो रहेगी या एयरटेल रहेगी, बराबर, वो सर्विसेज देती है, क्या देती है, सर्विसेज, और उसके लिए हम उनको पैसा देते हैं। तो ये सारे हुए ट्रांजेक्शन, क्या हो गए, ट्रांजेक्शन। आप लाइट का बिल भरते हैं, हम एमएससीबी को लाइट का बिल भरते हैं ना, बराबर, तो हम पैसा क्यों देते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो हमें सर्विसेज देते हैं, क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं। ओके, सो ट्रांजेक्शन मीन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और मनी, और मनी, और मनी इज वर्थ। ओके, सो हियर मनी इज इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन। अगर हम दोनों ट्रांजेक्शन को देखेंगे देन यू विल ऑब्जर्व दैट मनी इज इन्वॉल्व इन बोथ ट्रांजेक्शन, दोनों ट्रांजेक्शन में पैसा इन्वॉल्व है। एंड इफ मनी इज इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन देन दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कॉल्ड एज अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अगर ट्रांजेक्शन में पैसा इन्वॉल्व है तो उस ट्रांजेक्शन को कहा जाएगा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। Okay, so if money is involved in transaction, then that type of transaction is called as a monetary transaction. And what is transaction? Exchange of goods or services for money or money's worth. अभी money's worth का मतलब क्या? आगे देखते हैं. See next. Here is one farmer. Farmer one.
एंड हियर इज अनदर फार्मर फार्मर टू। यहाँ पे दो फार्मर है, एक को नाम दिया है फार्मर वन और दूसरे को दिया है फार्मर टू। फार्मर वन के पास राइस है मतलब चावल है और फार्मर टू के पास कुछ वेजिटेबल्स है। अभी क्या है, फार्मर वन जिसके पास राइस है बराबर, मतलब वो राइस का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके पास वेजिटेबल नहीं है, सिर्फ राइस तो नहीं खा सकते, तो उसको वेजिटेबल की जरूरत है। और फार्मर टू के पास अलग अलग वेजिटेबल है लेकिन उसके पास राइस नहीं है, तो उसको राइस चाहिए। फार्मर टू को राइस की जरूरत है और फार्मर वन को वेजिटेबल की जरूरत है। तो क्या किया जाता है, फार्मर वन के पास जो एक्स्ट्रा राइस है वो फार्मर टू को देता है, और फार्मर टू क्या करता है, उसके पास जो एक्स्ट्रा वेजिटेबल है वो किसको देता है, फार्मर वन को देता है। एक्सचेंज हुआ या नहीं? यस, हियर राइस इज एक्सचेंज अगेंस्ट वेजिटेबल। राइस एक्सचेंज अगेंस्ट वेजिटेबल, इट मींस राइस इज वन टाइप ऑफ गुड्स एंड वेजिटेबल इज ऑल्सो गुड्स। दोनों भी गुड्स है ऐसा मान, बराबर है, दोनों भी क्या है, गुड्स। तो हियर गुड्स इज एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स, यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स इज एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स। तो पहला गुड्स है राइस और दूसरा गुड्स है वेजिटेबल, गुड्स के बदले मतलब राइस के बदले वेजिटेबल। अभी यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है क्या, देखो, नो, इन दिस ट्रांजेक्शन देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ओके, सी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हियर इज मिस्टर प्लम्बर, यहाँ पे कौन है, मिस्टर प्लम्बर। हियर इज फार्मर टू, यहाँ पे एक फार्मर है। अभी मिस्टर प्लम्बर मतलब क्या प्रोवाइड करेगा, मिस्टर प्लम्बर प्रोवाइड प्लम्बिंग सर्विसेज, वो प्लम्बिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और मिस्टर फार्मर को उसके खेत में कुछ काम है प्लम्बिंग का, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है, पैसा नहीं। और वैसे भी मिस्टर प्लम्बर को घर पे जाते हुए वेजिटेबल लेके जाना था, बराबर, तो फार्मर के पास वेजिटेबल है लेकिन पैसा नहीं, लेकिन उसको प्लम्बिंग का काम है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर प्लम्बर प्रोवाइड सर्विसेज टू फार्मर, मिस्टर प्लम्बर फार्मर के यहाँ पे प्लम्बिंग का काम कर देता है और उसका कुछ पैसा होता है, समझो 500 रुपया होता है। फार्मर के पास पैसा नहीं है तो फार्मर क्या करता है, उसके बदले क्या देता है, वेजिटेबल देता है। वैसे भी प्लम्बर को वेजिटेबल की जरूरत थी तो राजी होता है। तो यहाँ पे देखो, सर्विसेज आर एक्सचेंज अगेन वेजिटेबल, सर्विसेज आर एक्सचेंज अगेन वेजिटेबल, एक ने सर्विसेज दिया और उसके बदले में उसको क्या मिला, वेजिटेबल मिला, मतलब कुछ तो भी मिला ना, पैसा नहीं मिला लेकिन क्या मिला, वेजिटेबल मिला। और वेजिटेबल का मार्केट में वैल्यू है, उसे ही कहा जाता है मनी इज वर्थ, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका मार्केट में वैल्यू रहेगा। यहाँ पे भी राइस के बदले क्या मिला, वेजिटेबल, दोनों को भी वैल्यू है मार्केट में, बराबर, तो उसे बोला जाता है मनी इज वर्थ। तो यहाँ पे भी हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है। हियर एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर गुड्स, यहाँ पे सर्विसेज मतलब प्लम्बिंग सर्विसेज दिए और उसके बदले गुड्स मिला, गुड्स मतलब क्या मिला, वेजिटेबल मिला। सो हियर देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, मनी नॉट इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन, इसमें मनी इन्वॉल्व है ही नहीं। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कॉल्ड एज अ नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। अगर किसी ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो उस ट्रांजेक्शन को कहा जाएगा नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, एंड दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कॉल्ड एज अ बार्टर ट्रांजेक्शन, और उसी ट्रांजेक्शन को कहा जाएगा बार्टर ट्रांजेक्शन, क्या कहा जाएगा, बार्टर ट्रांजेक्शन। ओके, सो याद रखना, ट्रांजेक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर, चाहे उसमें मतलब पैसा इंक्लूड रहेगा या नहीं रहेगा, पैसा अगर इंक्लूड है तो बोलने का मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, और अगर पैसा इंक्लूड नहीं है तो कहा जाएगा नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, मतलब ही बार्टर ट्रांजेक्शन। अभी उसका मीनिंग हम ठीक से देखते, फिर से, ट्रांजेक्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ। वही फिर से याद रखो, एक तो पैसा हो सकता है या मनीज वर्थ, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका मार्केट में क्या है, वैल्यू, मतलब ट्रांजेक्शन में पैसा इन्वॉल्व होना ही चाहिए ऐसा नहीं है, विदाउट मनी भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, जैसे राइस के बदले वेजिटेबल या प्लम्बिंग सर्विस के बदले वेजिटेबल, पैसा नहीं था फिर भी ट्रांजेक्शन हुआ, बराबर, तो
ट्रांजैक्शन में पैसा अगर रहता है तो उसे कहा जाएगा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, और अगर पैसा नहीं है तो कहा जाएगा नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। यहाँ पे एक बात आपको ठीक से याद रखनी है कि टू कैरी आउट एनी ट्रांजैक्शन मिनिमम टू पर्सन और टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखो टू पर्सन और टू पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि कम से कम दो पार्टी या दो पर्सन के बिना ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। अकेला अगर कोई सेलर है, कस्टमर है ही नहीं, बताओ ट्रांजैक्शन हो सकता है? नहीं होगा। अकेला कस्टमर है, सेलर है ही नहीं, ट्रांजैक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ट्रांजैक्शन के लिए मिनिमम कितने पार्टी लगेगी? दो पार्टी लगेगी या दो पर्सन लगेंगे। सीधे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन विच इन विच मनी इज इन्वॉल्व। जिस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, उसे कहा जाएगा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। और आपको याद रखना है कि ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ही बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किए जाते हैं? रिकॉर्ड किए जाते हैं। द ट्रांजैक्शन which does not involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly are called non-monetary transaction. An exchange of one thing against another thing is called as a barter transaction. Okay, so non-monetary transaction में पैसा involve नहीं होता, directly या indirectly किसी भी तरह से पैसा involve नहीं होता, उसे कहा जाएगा non-monetary transaction. और इसमें क्या होता है, वन थिंग इज गेट एक्सचेंज अगेंस्ट अनदर, मतलब गुड्स के साथ गुड्स एक्सचेंज हो सकता है या गुड्स के साथ सर्विसेज एक्सचेंज हो सकती है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में देखा राइस के बदले वेजिटेबल, मतलब दोनों भी गुड्स थे, और दूसरे एग्जांपल में देखा वेजिटेबल के बदले प्लम्बिंग सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो गए, उसे कहा जाएगा नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। ओके, सो ट्रांजेक्शन means exchange of goods or services for money or money's worth, and minimum two parties or two persons are required to carry out transaction. And there are two types of transaction, monetary transaction and non-monetary transaction. If money is involved in transaction, then that type of transaction is called as a monetary transaction, and if money is not involved in transaction, then that type of transaction called as a non-monetary transaction. Next is types of monetary transaction. There are two types of monetary transaction. One is cash transaction, another is credit transaction. See here, I am taking one example to clear the concept of cash transaction. Here is one person, Mr. Ajay. Here is other person, Mr. Ramesh. यहाँ पे दो लोग हैं, एक है मिस्टर अजय और मिस्टर रमेश। मिस्टर अजय के पास कुछ गुड्स है एंड मिस्टर रमेश के पास क्या है? पैसा। मिस्टर रमेश को गुड्स की जरूरत है, तो यहाँ पे मिस्टर अजय सेलर है और मिस्टर रमेश क्या है? कस्टमर। ओके, मिस्टर अजय इज अ सेलर एंड मिस्टर रमेश इज अ कस्टमर और बायर। मिस्टर अजय सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रमेश। मिस्टर अजय ने क्या किया, उसके पास जो गुड्स था किसको बेच दिया? मिस्टर रमेश को बेच दिया। अगेंस्ट दैट गुड्स मिस्टर रमेश पेड अमाउंट टू मिस्टर अजय। मिस्टर रमेश ने तुरंत ही उसको कैश दे दी। अभी यहाँ पे देखो इस ट्रांजेक्शन में कैश तुरंत ही दे दी, गुड्स रमेश के पास आ गया, और जैसे ही गुड्स आ गया मिस्टर रमेश ने पैसा दे दिया, तो यहाँ पे कैश का पेमेंट इमीडिएटली हुआ, कैश का पेमेंट ऑन द स्पॉट हुआ। जब कैश का पेमेंट इमीडिएटली होता है, ऑन द स्पॉट होता है, उसे ही कहा जाता है कैश ट्रांजैक्शन। क्या कहा जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन।
transaction in which cash is get paid immediately called as a cash transaction. ओके तो कौन सी भी गुड्स है या सर्विसेस है जिसमें आप कैश इमीडिएटली पेड करते हो उसे कहा जाता है कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कि आप दुकान पे जाते हो, चॉकलेट परचेस करते हो, 5 रुपए का चॉकलेट परचेस किया, आपके पास चॉकलेट आया, तुरंत आप लोगों ने 5 रुपया दे दिया, क्या हो गया? कैश ट्रांजैक्शन। मतलब हियर चॉकलेट इज गेट एक्सचेंज अगेंस्ट मनी, आपके पास चॉकलेट आया और आप लोगों ने क्या दिया? पैसा दिया। चॉकलेट और पैसा दोनों भी एक्सचेंज हो गए, इसे कहा जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। तो जब आप तुरंत ही पैसा देते हो, इमीडिएटली पैसा देते हो, उसे कहा जाता है कैश ट्रांजैक्शन। सी हियर, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली इज नोन एज अ कैश ट्रांजैक्शन। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश पेड या रिसीव्ड, क्योंकि रमेश क्या करता है? पेड करता है, लेकिन अजय ने क्या किया? रिसीव्ड। मतलब आप चाहे पेड बोलो या रिसीव्ड बोलो, जिसमें कैश पेड या रिसीव्ड इमीडिएटली होता है उसे कहा जाता है कैश ट्रांजैक्शन। क्योंकि जब एक पेड करेगा, मतलब पेड करना मतलब दे देना, एक पेड करेगा तो दूसरा क्या करेगा? रिसीव। या इसीलिए पेड या रिसीव्ड इमीडिएटली होती है तब उसे कहा जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी हम देखेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसे कहा जाता है। हियर इज वन पर्सन मिस्टर अजय, हियर इज वन पर्सन मिस्टर रमेश। मिस्टर अजय इज अ सेलर एंड मिस्टर रमेश इज अ बायर। मिस्टर रमेश क्या है? बायर है। मिस्टर अजय क्या है? सेलर। अभी अजय के पास गुड्स है एंड मिस्टर अजय वांट टू सोल दैट गुड्स, सेल दैट गुड्स टू मिस्टर रमेश। मिस्टर अजय उसके पास जो गुड्स है वो मिस्टर रमेश को बेचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है, मिस्टर रमेश के पास पैसा नहीं है, कैश नहीं है एट दिस मोमेंट, आज के तारीख में या उस समय मिस्टर रमेश के पास पैसा नहीं है। तो भी मिस्टर अजय ने उसको गुड्स दे दिया। मिस्टर अजय सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश के पास कैश नहीं है एंड देयरफॉर मिस्टर रमेश मेक्स प्रॉमिस टू पे लेटर। तो मिस्टर रमेश ने क्या किया? उसको प्रॉमिस किया कि मैं आपका जो भी पैसा है मैं बाद में पेड करूंगा, पे लेटर, लेटर मतलब बाद में, फ्यूचर में। ओके तो जब आप गुड्स परचेस करते हो या आप सर्विसेस लेते हो, लेकिन उसका पैसा जब आप बाद में पेड करते हो, बाद में मतलब फ्यूचर में, मे बी आफ्टर 5 डेज, मे बी आफ्टर 10 डेज और मे बी आफ्टर 1 मंथ, तब उस तरह के जो ट्रांजैक्शन रहते हैं उसे कहा जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन बोला जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके सो हियर गुड सोल्ड बट कैश नॉट पेड इमीडिएटली। ओके तो इस तरह के ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन होता है, गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज होती है, लेकिन उसके बदले में जो सेलर है उसको पैसा तुरंत नहीं मिलता। बायर प्रॉमिस करता है कि उसका पैसा मैं आपको बाद में दे दूंगा, मतलब उधारी का ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन उधारी के होते हैं जिसमें पैसा फ्यूचर में देने का प्रॉमिस किया जाता है उसे कहा जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर? अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन बट इट इज पेड और रिसीव्ड एट अ लेटर डेट। मतलब इसमें कैश इमीडिएटली पेड नहीं किया जाता है, रिसीव्ड नहीं किया जाता, क्योंकि एक पेड ही नहीं करता तो रिसीव करने का सवाल नहीं, बराबर। तो पेड या रिसीव्ड इमीडिएटली नहीं होता उस तरह के ट्रांजैक्शन को कहा जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और इसमें प्रॉमिस किया जाता है, कौन प्रॉमिस करता है? बायर। बायर मेक प्रॉमिस टू सेलर टू मेक पेमेंट इन फ्यूचर डेट। बायर प्रॉमिस करता है सेलर को कि मैं आपका जो भी पैसा है वो पैसा मैं आपको फ्यूचर में दे दूंगा या बाद में दे दूंगा। दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके सो ट्रांजैक्शन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन डिवाइडेड इन अगेन टू पार्ट, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एंट्री। Recording of business transaction in proper form
or method in the books of account is called an entry. So when any transaction happens in the business, that transaction is recorded in the books of account properly, systematically, in proper method. Recording that transaction in the books of account is called as a entry. उसे क्या कहा जाएगा? एंट्री कहा जाएगा. वो उस प्रोसेस को बुक कीपिंग कहा जाएगा, लेकिन जो हम लिखते हैं, जो हम लिखते हैं उसे क्या कहा जाएगा? एंट्री कहा जाएगा. अभी उसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 5000. ऐसा मान लेते हैं कि हम लोगों ने 5000 का गुड्स बेच दिया, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 5000. तो इसका एंट्री हम किस तरह से करेंगे? देखो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा, जैसे कि डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट. अभी आपको सवाल आएगा कि एलएफ क्या है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, वो बाद में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अभी आपको उसके डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि एंट्री किसे कहते हैं वो देखना है, डेबिट क्रेडिट वो नहीं देखना है. मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि सिस्टमेटिकली मतलब किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है वो हम देखेंगे. तो मैं रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 2020. यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश अकाउंट DR मतलब डेबिट, और यहाँ पे लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट. हियर आई विल रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन 5000 एंड हियर ऑल्सो आई विल रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन 5000 एंड हियर आई विल रिकॉर्ड एज बींग गुड सोल्ड फॉर कैश. इस तरह से मैंने लिखा, बराबर. देखो कितना सिस्टमेटिकली लिखा. यहाँ पे कॉलम में पहले लिखा मैंने डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कि कौन से तारीख का ट्रांजेक्शन है, बाद में मैंने उसको सिस्टमेटिकली लिखा, बराबर है, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट. अब ये कैश अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट क्या है, बाद में हमें वो पढ़ना ही है, उसका आपको टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैंने अमाउंट भी बताया 5000 और 5000, मतलब मैंने जो ट्रांजेक्शन है उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया, और वो ट्रांजेक्शन किसके बारे में है वो भी मैंने ब्रीफ में लिख दिया. देखो बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, शॉर्ट में लिख दिया कि वो ट्रांजेक्शन क्या है, वो भी मैंने लिख दिया. इसे ही कहा जाता है एंट्री. क्या कहा जाता है? एंट्री. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसे कहा जाता है एंट्री. क्या कहा जाएगा? एंट्री. उसको ही अकाउंटेंसी में या बुक कीपिंग में बोला जाता है जर्नल एंट्रीज. तो जर्नल एंट्री हम इस तरह से करेंगे. तो याद रखना, कभी भी ट्रांजेक्शन जब होता है तब पहले हम करते हैं जर्नल एंट्री. इस तरह से हमें वो एंट्री करनी पड़ती है. ये है प्रॉपर मेथड, सिस्टमैटिक मेथड टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन. तो ट्रांजेक्शन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, और ये जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है इसी को कहा जाएगा एंट्री. क्या कहा जाएगा? एंट्री. नेक्स्ट इज नरेशन. A brief explanation, brief मतलब short, brief means short. A brief explanation of the business transaction for which entries pass is called as a narration. It is always given in bracket below the journal entry and it usually start with the word being or for. So when you write brief explanation about the transaction below the journal entry called as a transaction. देखो ये है हमारा जर्नल एंट्री, बराबर. इस जर्नल एंट्री के नीचे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखा है, वो भी ब्रैकेट में, बराबर. तो ब्रैकेट में आप जो जर्नल एंट्री के नीचे रिकॉर्ड करते हो, लिखते हो, उसी को कहा जाता है नरेशन. सो नरेशन इज ऑलवेज रिटन बिलो द जर्नल एंट्री एंड इट इज रिटन इन ब्रैकेट. हमेशा किस में लिखा जाएगा? ब्रैकेट में लिखा जाएगा. एंड अनदर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग और फॉर. और इसकी शुरुआत हमेशा एक तो बीइंग से की जाती है या तो फॉर से की जाती है. ज्यादातर शुरुआत हम बीइंग से ही करेंगे, मतलब हम रिकॉर्ड करते समय इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? बीइंग से करेंगे. हम शुरुआत फॉर से करेंगे नहीं. आप फॉर से भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन हम शुरुआत किससे करेंगे? बीइंग से. ओके. तो जर्नल एंट्री के नीचे उस एंट्री के बारे में जो शॉर्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उसी को कहा जाता है नरेशन. एंड नरेशन ऑलवेज रिटन इन ब्रैकेट बिलो द जर्नल एंट्री एंड ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग और फॉर. हमेशा कौन से वर्ड से स्टार्ट होती है? एक तो बीइंग या फॉर.
इन दोनों में से एक वर्ड से स्टार्ट होती है। सी द नेक्स्ट। ओके सो ये जो दिया है आपको वो क्या है, आपका नरेशन। सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज गुड्स। द टर्म गुड्स रेफर टू मर्केंडाइज कमोडिटी आर्टिकल और थिंग्स इन विच ट्रेडर्स ट्रेड। दीज आर परचेज और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट। सो गुड्स मीन्स व्हाट? एनीथिंग यू परचेज, एनी कमोडिटी, एनी आर्टिकल और एनीथिंग यू परचेज और मैन्युफैक्चर फॉर सेलिंग पर्पज इज कॉल्ड एज अ गुड। मतलब कोई भी ऐसी चीज आप दूसरे से परचेस करते हैं बेचने के लिए, जैसे कोई पर्सन रहते रिटेलर रहते, रिटेलर क्या करते हैं दूसरे से गुड्स परचेस करते हैं। क्यों परचेस करते हैं? बेचने के लिए, बराबर। तो जो भी वो परचेस करेगा बेचने के लिए उसे कहा जाएगा गुड्स। या कोई भी चीज आप तैयार करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो और सेलिंग पर्पस कॉल्ड एज अ गुड्स, तब उसे भी क्या कहा जाएगा, गुड्स क्या है। कोई चीज अगर आप आपके लिए मैन्युफैक्चर करते हैं या खुद के लिए परचेस करते हैं तब उसे गुड्स कहा नहीं जाएगा, उसको असेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? असेट कहा जाएगा। उसको डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हियर इज वन वेजिटेबल सेलर। यहाँ पे एक वेजिटेबल सेलर है। हियर आर सम वेजिटेबल। यहाँ पे देखो, हम देख सकते हैं यहाँ पे वेजिटेबल है, यहाँ पे कुछ पॉट्स है और यहाँ पे कुछ टूल है। उस पॉट्स में, बराबर है, जो बर्तन है उस बर्तन में क्या रखे है, वेजिटेबल रखे। तो यहाँ पे वेजिटेबल सेलर है तो ऑफकोर्स ये जो वेजिटेबल्स है वो उस सेलर के लिए क्या है, गुड्स कहा जाएगा। क्या कहे जाएंगे? गुड्स। क्योंकि इसने जो वेजिटेबल है एक तो अपने खेती में लगाए थे या तो दूसरे से परचेस किए है, बराबर। दूसरे से परचेस किए है या खेती में लगाए थे, क्यों? फॉर सेलिंग पर्पज, बेचने के लिए, उसको प्रॉफिट कमाना है। और इसीलिए इस सेलर के लिए ये वेजिटेबल क्या हो गए, गुड्स हो गए। लेकिन इसी सेलर के पास ये जो बर्तन है अलग अलग, बराबर है, यहाँ पे जो पॉट्स है या स्टूल है, क्या ये गुड्स कहे जाएंगे? नो। यहाँ पे जो स्टूल है या जो बर्तन है उसे गुड्स नहीं कहा जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस टूल्स और दिस पॉट्स आर नॉट अवेलेबल विद दिस सेलर फॉर सेलिंग पर्पज। यहाँ पे जो सेलर के पास है लेकिन क्या वो स्टूल या जो बर्तन है क्या वो बेचने के लिए है? नहीं, वो तो वेजिटेबल रखने के लिए उन्होंने परचेस, खुद के लिए परचेस किए हैं, उसे हम गुड्स नहीं कहेंगे बल्कि उसे असेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? असेट। ओके सो एनीथिंग अवेलेबल विद सेलर फॉर सेलिंग पर्पस कॉल्ड एज अ गुड्स, दैट मे बी एनी कमोडिटी, दैट मे बी एनी आर्टिकल और एनी अदर थिंग। कोई भी चीज जो सेलर बेचने के लिए अपने पास रखता है उसे कहा जाएगा गुड्स। अगर वो बेचने के लिए नहीं है तब उसे क्या कहा जाएगा? असेट। वो उसके लिए असेट। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने दुकान से चॉकलेट परचेस किया खुद के लिए, तो क्या उसे गुड्स कहा जाएगा? नहीं, अकाउंटेंसी में उसे गुड्स नहीं कहा जाएगा। हाँ, नॉर्मली हम उसे गुड्स बोल सकते हैं लेकिन अकाउंटेंसी में उसे गुड्स नहीं कहा जाएगा, बराबर। अकाउंटेंसी गुड्स किसे कहती है? हाँ, अगर आप लोगों ने चॉकलेट परचेस किए बेचने के लिए तब वो चॉकलेट आपके लिए क्या बन गए? गुड्स बन गए। एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं। अगर कोई स्टेशनरी मार्ट है, बराबर, स्टेशनरी का दुकान, उसमें नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, टेक्स्ट बुक है बेचने के लिए, तो नोटबुक, पेन, पेंसिल उसके लिए हो गए गुड्स। लेकिन उसी स्टेशनरी मार्ट में एक फैन भी है, वो फैन उस स्टेशनरी मार्ट ने खुद के लिए लगवाया है, तो क्या उस फैन को भी गुड्स कहा जाएगा? नहीं, वो फैन गुड्स नहीं कहा जाएगा क्योंकि फैन बेचने के लिए नहीं है, वो खुद के लिए है, उसे असेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? असेट। ओके सी अनदर वन एग्जांपल। हियर इज वन स्टोर एंड हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स कमोडिटीज और आर्टिकल। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें है, तो ये सारी चीजें है ये बेचने के लिए है, बराबर है, and these are goods for this seller, और इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? गुड। क्योंकि हम देख सकते हैं इस तरह से गुड्स रखा है वो बेचने के लिए रखा है, तो ये हो गए उसके लिए गुड्स। लेकिन यहाँ पे एक कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा।
this CCTV camera is not goods for this seller but asset for the seller. अभी CCTV camera उसके लिए goods नहीं है, क्यों? Because this CCTV camera is not for selling purpose. क्या ये सेलर उसने बेचने के लिए रखा है? नहीं. ये CCTV कैमरा बेचने के लिए रखा है क्या? नहीं. बराबर, हम देख सकते हैं CCTV कैमरा यहाँ पे फिट किया गया है, मतलब वो बेचने के लिए नहीं है, उसने खुद के लिए लगवाया है, और इसीलिए ये CCTV कैमरा इस सेलर के लिए गुड्स नहीं. हाँ, CCTV कैमरा कौन से सेलर के लिए गुड्स होगा? जिस सेलर का काम CCTV कैमरा बेचना है उसके लिए CCTV कैमरा क्या बन जाएगा? गुड्स. लेकिन इस सेलर के लिए हम देख सकते हैं CCTV कैमरा फिट किया गया है, मतलब वो बेचने के लिए नहीं है, और इसीलिए इस CCTV कैमरे को गुड्स नहीं कहा जाएगा. ओके, तो कोई भी चीज जो सेलर ने बेचने के लिए रखी है उसे कहा जाएगा गुड्स. सो दिस इज अबाउट ट्रांजेक्शन, एंट्री एंड गुड्स. ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रांजेक्शन देखा, एंट्री देखा और गुड्स देखा. आगे आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें हमें इस तरह के सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करके लेंगे. ओके, थैंक यू.